भारत की मशहूर संगीत कलाकार MS शुभलक्ष्मी के सम्मान में यूनाइटेड नेशन डाक टिकट जारी किया गया। आज से 50 साल पहले 23 अक्टूबर 1966 को यूनाइटेड नेशन डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शुभलक्ष्मी यूनाइटेड नेशन में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय संगीत कलाकार थी। शुभलक्ष्मी के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र के डाक प्रशासन ने $1.20 मूल्य का डाक टिकट जारी किया, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित नीला चिन्ह है। इस साल उनकी 100वीं जयंती भी है। भारत के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के अनुमोदन के विशेष अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ये डाक टिकट जारी किया गया। इस मौके पर देश के कई अधिकारी समारोह में उपस्थित थे। गांधी के प्यारे राम धुन के साथ शुभलक्ष्मी के संगीत पर कर्नाटक संगीत गायिका सुधा रघुनाथन की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ इस समारोह का समापन हुआ। संयुक्त राष्ट्र में पहला डाक टिकट रघुनाथन को उनकी प्रस्तुति के सम्मान में दिया गया। आपको बता दें कि शुभलक्ष्मी पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।